जय माता रानी की। तुम्हारी मैया तैयार, हमारा पूजा पाठ हो चुका है। कितना बज रहे हैं? 5:30। अभी नहीं हुए 5:20 हो रहे हैं। हमारा पूजा हो गया है, स्नान हो गया, पूजा हो गया, सबको जय माता दी। क्या से बोलो जय माता दी। अभी जा रहे हैं, थोड़े से कपड़े धोएंगे और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। आज मंदिर जाएंगे, हवन करेंगे और इस दिनचर्या ऐसे ही चलेगा। तो बस अभी हम बहुत बोलेंगे, फिर बोलने शुरू कर दिए। तो हम जा रहे हैं बर्तन घसेंगे, कपड़ा धोएंगे पहले, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। निकलना यहाँ से है 7 बजे तक का, तो तब तक हम कपड़ा धो लेते, घर का थोड़ा काम निपटा के जाएंगे। दोनों बच्चों का व्रत है, आज अष्टमी का है, तो आज दोनों बच्चों का व्रत है, तो फिर कुछ ना कुछ उनके लिए बना के रख के जाएंगे, क्योंकि मंदिर से आते आते लेट हो जाएगा। जब हम लेट जाएंगे तो लेट ही आएंगे, क्योंकि मंदिर में बहुत गर्दी होगी। तो प्यार से बोले जय माता दी, और बेचारे अपने बाल बाल को सुखाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे माता जी के द्वार पे, सॉरी माता जी के मंदिर। तो है फिर ये खुशी में मुस्कुराती रही है, और ठीक है तो हम मिलते हैं आपको मंदिर जाने के टाइम पे। मिलते हैं, एक तक हम काम फटाफट निपटा लेते, देख रहे पूरे बाल वाले बिंदी लेके से लग रहे हैं। मैं तो तैयार होके बैठी हूँ, लेकिन अभी हमारी भाभी जी का फोन नहीं आया कि जाना। भाभी जी का भी फोन नहीं आया, चिड़ियों की आवाज़ है, सुबह जाने वाले थे, बजने वाला है 8, लेकिन 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 अभी तक का एकदम आराम से जाएंगे, पूरा दिन गवाएंगे। तो अभी हम अपनी भाभी को फोन करते हैं, पता करते हैं भाई जाना है कि नहीं, क्योंकि हम तो तैयार होकर बैठ चुके हैं, सज धज के बैठ गए, लेकिन जाना ना जाना अभी कुछ पता नहीं है। हमारी होने ही पैकिंग से गई, लेकिन अभी जिनके साथ जाना है तब मिलते हैं आपको। उनको फोन ऑन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई आप जाओगे कि नहीं जाओगे। आपके घर में ऐसी भाभी हैं लेट लपीट, हमारा नाम देती हैं लेट लपीट ननद, लेकिन हैं हमारी भाभियाँ लेट लपीट। तब मिलते हैं आपको उनको फोन ऑन करने के बाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगले दफा हम लोग गाना गाते हैं, बहुत जन थे, हाँ बहुत जन थे, लेकिन पहले से काफी बदलाव है। मौसम खतरा पानी खाना यार है, बहुत अच्छा गया दी। जय माता दी, बस हमें तीन जन ही हैं। जय माता दी, इसे बचाओ नजर जाओ थोड़े भैया आगे अंदर होगा थोड़ी आगे भैया पूजा हुई बाबी बाहर चलते ना बाहर भी गरम ला है नहीं माना कहीं नंबर कोई सके जाए कैसे कहा जाए कैसे कहा जाए ग्यारह नंबर
मंदिर के दर्शन के बाद हमारी भाभियों का मन आ गया साड़ी लेने के लिए, तो बस साड़ी के मार्केट में घुस गए और साड़ी ढूंढने लगी कि भाई उनके मन को कौन सा भाए। हाँ सुबह मेरी भाभी थोड़ा सा लेट लगी थी, लेकिन वो हमारा ही इंतज़ाम कर रही थी। हम मेरे लिए और मेरी दूसरी वाली भाभी के लिए फराहत बना के लेके आई और हम लोग मंदिर के दर्शन के बाद हवन करने के बाद बैठ कर फराहत किए। तो थैंक यू भाभी जी, आपने ना फराहत बना के लाया, नहीं तो हम लोग तो उपवास ही ऐसे रह जाते। फिर साड़ी दिखाओ, सब चारों बाजू लगाई है, बस यही बाजू। हम घूम रहे हैं गली गली, ढूंढ रही हैं भाभी अपनी पसंद की साड़ी, देखते हैं कि मिलती है उनकी पसंद की साड़ी या फिर जाते हैं खाली हाथ, क्योंकि भाभी की पसंद की साड़ी मिलना थोड़ा नामुमकिन सा है। ये क्या ब्लाउज पीस? हाँ हल्का है। हाँ और एक ब्लैक में नहीं चाहिए हमको, है नहीं। इसमें कलर दिखा, ये जिग जैक में फोन है एकदम हल्की। इसमें क्या है 2850 वाला? अरे अभी खोल रहे हैं, देख तो ले। ये ऐसा सिकड़ी बटरी में दिखा ना डिजाइन वाली, ये रेड वाला मैं लाई थी सिकड़ी बटरी। पहले ये तो देख ले, अभी कल आया मेरे पास, वही सब घूम घूम के चल रहा है। क्या बनाएगा कौन अभी नया, कोई भगवान भेजेगा तो फिर वो बनाएंगे। नई साड़ी आपके सामने वैसी है रही है, ब्लाउज सीख लें, ब्लाउज तो वैसा है। कलर बताओ इसमें का, अब ये का है ना? हाँ, इसमें का भी दिखाओ, देख लो बटर फ्लाई है, यही पार्टी का बनवा लेंगे, अच्छी लग रही है। पूरा साड़ी कृष्ण है, ये कितने का भैया? इसमें कलर दिखाओ, 2250। ये कलर अच्छा लग रहा है रेड, इसमें भी कलर मिल जाएगा आपको, मरून मिल जाएगा। तो ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं, भूल ऐसा नहीं है, ये डिस्काउंट है। हाँ, इसमें कलर कितना है? इसमें आपको 203 कलर मिल जाएगा। हाँ दिखाओ, इसमें का कलर दिखाओ, है नहीं का? इसमें का, हाँ नया निकला है कपड़ा, लेकिन कपड़ा तो है सफरा, आपको डिस्काउंट करके 300 कर देंगे, ठीक है? 2500 में दे दो। इतना कितना भाव? इतना नहीं है, होलसेल रेट है ये सब। शोरूम का है, शोरूम में 5000 का दिखा, तो शोरूम ही है ना, शोरूम में 5000 का दिखा, लेकिन रेट आपको वैसे हमारे लिए शोरूम ही है, शोरूम है लेकिन रेट आपको होलसेल का पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसका पूरा 3 कर देता हूँ और इसका 300 है, इसका आपको 28 कर, ठीक है? नहीं पाँच में दो, पाँच में कैसे? 1500 उसका, 1500, 2500 इसका। नहीं नहीं, ये 3200 का है, क्या बात है, दोनों का एक काम करता हूँ, और कुछ लेटेस्ट है और दिखाओ, है ना, ये दोनों का एक काम करता हूँ, 5800 का, ये तो फाइनल करो। हाँ ये तो डन, इसका कितना बोल रहे हैं? 3800। साड़ी देखने पे ही पता चल जाएगा माता जी के नाम सूरदान महाकल्याण का। यही कटने वाली है, यही जो लाल है पानी वाला। हाँ 350 कौन सी? ये लाल चिली काली, ये 350 की, क्या बात कर रही है। बंधी रहा थी वहाँ साड़ियाँ, पनिया रखी है, लो दे दे।
तो हम आ चुके हैं मंदिर से, हवन हो चुका, हम गए मंदिर उमा देवी मंदिर और वहाँ पे हवन किया और माता जी के दर्शन किए। और दर्शन वर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं घर पे, तो अभी थोड़ा सा आराम करेंगे। कपड़ा धुल के गए थे, बस कपड़ा डाले नहीं, तो अभी वो कपड़े को डालेंगे बाहर सूखने के लिए और फिर चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, बस थोड़ा सा पहले आराम कर लेंगे, थोड़ा सा यानी एक दो घंटा तो लेके जाएंगे। और हमने साड़ी, हमारी भाभीयों ने साड़ी ली, तो उसका थोड़ा थोड़ा क्लिप है तो वो डाला है हमने, उसे देख लीजिए आप लोग। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी नवरात्रि खत्म होने वाली, वैसे एक दिन बची है नवरात्रि का, तो माता जी का नाम वैसे भी हमें हमेशा लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नवरात्रों में हमें माता जी का नाम लेना चाहिए, हमें माता जी का नाम हमेशा लेना चाहिए। तो जय माता दी बोलिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा ही क्लिप ले पाए क्योंकि आज छूट नहीं कहूँगी, आज थोड़ा मन कहीं और था, दिमाग कहीं और चल रहा था, तो थोड़ा ही क्लिप ली। कभी कभी हो जाता है ऐसा, कुछ बातें याद आ जाती हैं। तो जहाँ आ रही है उस पल को जीए, मैं हमेशा यही कहती हूँ, और कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, लाइफ का कोई भरोसा नहीं भाई, कि कब क्या हो, कभी रुकना है, कभी चलना है, कभी गिरना, कभी संभलना, कभी हंसना, कभी रोना, बस ज़िंदगी के पंडे यही हैं और ऐसे ही रहते हैं। बहुत कुछ देख के बहुत कुछ सीखा है भाई, ज़िंदगी हमें जीनी थी, काटनी नहीं थी, ज़िंदगी को जीनी थी, लेकिन ठीक है ना, जब समझ में आया तब जी रहे हैं। और पांडे जी जल्दी 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 करके आ जाओ, बहुत ज़्यादा। वैसे मिस नहीं करते हम, पांडे जी हमारे गए हैं काम से बाहर 10 दिन के लिए, तो वैसे तो वह हमारे वीडियो में किसी में भी नहीं, तो किसी भी वीडियो में वैसे नहीं आते हैं, बट घर पे रहते तो बात अलग रहती है। तो थोड़ा मिस नहीं कर रही हूँ, झगड़ा करने का मन कर रहा है। और कुछ नहीं, और यार दोस्तों से मिलिए, फ्रेंड्स से मिलिए, कुछ कुछ बातें रहती हैं वो याद आती, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यार थोड़ा दिमाग कहीं और है, कि वे कहीं किसी की याद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ बातें याद आती हैं बस। और यही गाएंगे कि क्या गाएंगे, माता जी का एक गाना गा लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर सब्सक्राइब करिए, मैं बहुत गौर कर दूंगी। और गाना है कुछ इस तरीके से है कि मैया चौखट पे आना मेरा काम है, मैया चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मैया चंदन की चौकी बनाओ, मैया चंदन की चौकी बनाओ, और फूलों से उसको सजाओ, और फूलों से उसको सजाओ, मैया चौकी सजाना मेरा काम है, मैया चौकी सजाना मेरा काम है, उस पे आसन लगाना तेरा काम है, उस पे आसन लगाना तेरा काम है, मैया चौखट पे आना मेरा काम है, मैया चौखट पे आना मेरा काम है, मैया 16 सिंगार मेला, मैया 16 सिंगार मेलाऊं, और मेहंदी में तुमको लगाऊं, मैया मेहंदी लगाना मेरा काम है, मैया मेहंदी लगाना मेरा काम है, मैया सज
सजना संवरना तेरा काम है, मैया सजना संवरना तेरा काम है, मैया चौखट पे आना मेरा काम है, मैया चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जय माता दी।